हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरोत्तम पटेल जी पधार चुके हैं। मैं उनके स्वागत के लिए कुशवाहा समाज की ओर से जिला सीतापुर से यात्रा शुरुआत की थी। जिला सीतापुर के बाद जिला बहराइच, जिला श्रावस्ती, जिला गोंडा, जिला बलरामपुर, जिला फैजाबाद, जिला बस्ती, जिला सिद्धार्थनगर, जिला महाराजगंज, जिला देवरिया, जिला कुशीनगर, जिला गोरखपुर, जिला संतकबीर नगर, जिला बाराबंकी, जिला सुल्तानपुर, जिला अम्बेडकर नगर। बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि कभी भी तुम्हारा जहां पसीना गिरेगा। दाम बढ़ा दिया, बिजली का दाम बढ़ा दिया, पढ़ाई का दाम बढ़ा दिया, दवाई का दाम बढ़ा दिया, सिंचाई का दाम बढ़ा दिया और कमाई का दाम बढ़ा दिया। आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के जितने अस्पताल है उन अस्पतालों की हालत क्या है। अभी 2 साल से कोरोना चला, कोरोना में कोई इंतजाम नहीं, ऑक्सीजन के अभाव में, दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में ले जाने कितने लोग, लाखों लोग कोरोना की मौत चल गए। लेकिन भाजपा को शर्म नहीं आई, भाजपा के नेता झूठे हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ बोलने में माहिर है, इसलिए उनकी बातें जनता जान चुकी है कि उन्होंने किसानों को बर्बाद किया, नौजवानों को बर्बाद किया, हर आदमी का जीवन, कुटीर उद्योग करने वालों के जीवन को बर्बाद कर दिया है। इसलिए बर्बादी का बदला लेने के लिए 2022 में सब लोग साइकिल का बटन दबाना और इतना साइकिल का बटन दबाना आपके तिलक यादव की अध्यक्षता में दोनों सीटें, ललितपुर की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी को बहुमत महसूस करना है। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी आपसे विनती है, यही मेरी अपील है, आपने हमारी बात। लखीमपुर की घटना लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। किसान अपनी मांगों का ज्ञापन देने जा रहा हूं, भाजपा के एक बड़े नेता के पुत्र ने सत्ता के नशे में उनके ऊपर दौड़ा दौड़ा करके उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, मार डाला, शहीद कर दिया और आज तक वो पकड़ा नहीं गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता है। भाजपा पूंजीपतियों की पोषक है और पूंजीवाद को बढ़ा रही है, गरीबों की जान ले रही, महंगाई से, बेरोजगारी से, किसानों की फसलों को लूट करके अब सीधा सीधा उनके ऊपर हमला शारीरिक कर दिया। इससे घृणित कोई कुछ हो नहीं सकता, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम। सर, समाजवादी पार्टी का नेक्स्ट कदम क्या होगा? समाजवादी पार्टी का नेक्स्ट कदम होगा, अगर ये लोग उनको गिरफ्तार नहीं करते, उनको सजा नहीं दिलाते हैं, किसानों के परिवारों को 2-2 करोड़ रुपया नहीं देते हैं, 1-1 नौकरी नहीं देते हैं, तो समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर उन किसान परिवारों को पूरी मदद की जाएगी और दोषी लोगों को जेल के शिक्षों में डाला जाए। सर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त है, पूरी ध्वस्त है। हत्या, डकैती, लूट, छिनैती, बलात्कार, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है और ये पूरी तरीके से अराजक सरकार है और अराजकता फैला दिया और जनता ने इसलिए इस बार ठाना है, इसलिए अखिलेश यादव जी को लाना है। सर, 2022 में समाजवादी की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति तो बता दिया, डेवलपमेंट, विकास, विकास सबसे बड़ा, किसानों की फसलों की लूट बचाना, नौजवानों को रोजगार दिलाना, माताओं बहनों की इज्जत करना, सम्मान बढ़ाना, उनके जीवन को उत्थान कराना, यही डेवलपमेंट हमारा होगा।